हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 60, जहां पर हम आज मस्ट की बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में कभी हम लोगों ने मस्ट को पहले ही पढ़ के रखा है, जहां पर एक्टिव मिस की पहचान क्या थी, अवश्य चाहिए या फिर ही चाहिए। कहने का मतलब ये था कि ये भी सजेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपको ऐसा काम निश्चित रूप से करना चाहिए। जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सच अवश्य बोलना चाहिए, मम्मी को ताजा भोजन अवश्य बनाना चाहिए, पापा को पैसा कमाना ही चाहिए, तो ही चाहिए या फिर अवश्य चाहिए, दोनों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, मस्ट का यूज करना होगा। तो एक्टिव मिस की पहचान क्या होगी, अवश्य चाहिए या फिर ही चाहिए, और जैसे ही बात पैसिव की होगी तो इसकी दो पहचान होगी, अवश्य जाना चाहिए या फिर ही जाना चाहिए। एक्टिव में हमें सबसे पहले क्या ऐड करना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बात क्या रखना है, मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या ऐड कर दें, ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही बात पैसिव की होगी तो यहाँ पर हमारी जो पहचान होगी क्या, अवश्य जाना चाहिए या फिर ही जाना चाहिए, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या, मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय और सब्जेक्ट को ऐड कर दीजिए। कुछ सेंटेंस है जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पैसिव के सेंटेंस होंगे कुछ इस प्रकार से। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके द्वारा सच अवश्य बोला जाना चाहिए, तो हो गया ना सेंटेंस हमारा पैसिव का। अगर मैंने आपसे कहा होता कि मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी ही जानी चाहिए, तो फिर से हमारा सेंटेंस पैसिव का हो गया ना। तो एक्टिव का सेंटेंस हो तो एक्टिव से, और पैसिव का सेंटेंस होगा तो उसे आपको पैसिव से बनाना होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैंने आपसे कहा होता कि आपको सच बोलना ही चाहिए, तो आपको सच बोलना ही चाहिए, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एक्टिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है तो इसको एक्टिव से बना लीजिए। सबसे पहले क्या रखा उन्होंने, यू, और यू के बाद क्या आएगा, मस्ट, उसके बाद क्या आएगा बताइए, बोलना, और बोलना की अंग्रेजी क्या बनेगी, स्पीक। फिर उसके बाद क्या बोलना चाहिए, सच, तो सच के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द ट्रुथ, टी आर यू टी एच। सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, आपको सच अवश्य बोलना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आपके द्वारा सच अवश्य बोला जाना चाहिए, और इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि आपके द्वारा सच बोला जाना ही चाहिए, तो अवश्य बोला जाना चाहिए या फिर जाना ही चाहिए या फिर ही जाना चाहिए, कुछ भी लिख के आ जाए। अगर बात की जा रही है कि आपको ऐसा काम करना ही चाहिए, तो उसके लिए हमें मस्ट का यूज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या रखना होगा, मैं ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर क्या था, द ट्रुथ, तो द ट्रुथ को आप यहाँ पर पहले ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या रखने में यहाँ पर, मस्ट बी, उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब रखनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्पोकन। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, द ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन, और बाय के बाद यहाँ पर क्या रखना होगा, मैं यू, बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, द ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा सच अवश्य बोला जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी शुड सेव मनी, तो मम्मी को पैसा बचाना चाहिए, और मम्मी मस्ट सेव मनी, तो हिंदी क्या हो जाएगी, मम्मी को पैसा अवश्य बचाना चाहिए। और अगर इसी को मैं पैसिव करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मनी मस्ट बी सेव्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा पैसा बचाया जाना चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और हिंदी क्या निकलने वाली है कि आपको आपके बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, और अगर इसको पैसिव करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू। एक एग्जांपल और देखिएगा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, पैसिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। सी मस्ट कुक फूड, उसे भोजन अवश्य बनाना चाहिए, एंड फूड मस्ट बी कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा भोजन अवश्य बनाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।